Good evening, everyone. Welcome to a theatre production created by IIM Acts, the Theatre and Dramatic Society of IIM Ahmedabad. We've all joined today to enter the world of reflection and disbelief by watching a play. IIM Acts is a way for students and faculty to stay involved in the world of theatre. IIM Acts has previously presented more than 15 performances, including IIMA Unchronicled, Cutting Chai, Kisso Ke Kishte, Kya Dilli Kya Lahore, Welcome to Akalpur, and Aaj Ki Raat. Today, we are going to present to you a comic investigation where students unravel the mysteries around the theft of items treasured by the professors. Ladies and gentlemen, we present to you our latest production, Ek Aakhri Kissa. सुबह सुबह इस कैंपस की बात ही कुछ अलग है। कुछ नहीं बंदा इधर अभी भी। आज भी सारे 8:45 की क्लास के लिए भाग ही रहे हैं। भावेश भाई, चार चाय दे दो और मशीन वाली नहीं हाथ से बनी हुई। हाँ, देगा। यार मुझे तो केएलएमडीसी वाले के लिए ज्यादा बुरा लगता है। यार याद है साल के स्टार्टिंग में 80 थे जिनमें से 40 की टांगे मिस्टीरियसली टूट गई थी। तुम्हें न्यू कैंपस जॉब शिफ्ट कर देना पड़ा था। 40 के 40 इतना तेज भाग कर आए थे ना। और बता, तू बता मतलब हम कैसे पहुंचते थे रोज क्लास? यार अपना तो फिक्स शेड्यूल था, सुबह 8:30 में उठता था, उसके बाद तुम्हें उठा के किसी तरह 8:45 तक क्लास पहुंच जाते थे। ब्रश करने का टाइम अगर बीच के 20 मिनट में मिला तो सही, नहीं तो अगले दिन कर लेते थे। यार अमर अकबर एंथनी थे हम उस कैंपस के, जब तक कि अकबर को अपनी जोधा नहीं मिल गई। यस, आई विल नेवर फॉरगिव यू फॉर दैट, यू स्टोल माय फ्रेंड। अरे नहीं भाई, ओ कम ऑन, तुम तीनों ने रात रात बैठ के जो स्कीम्स बनाई मेरे लिए सब पता है मुझे। सारी गेम थ्योरी ओबी के कोर्सेज का असली यूज तुम ही लोगों ने तो किया है, मैंने तो बेचारे पे तरस खा लिया था बस। दादा चाय। हेलो, ये सब दादा अभी भी हमेशा फोन पे लगे रहता है। इसका तो काम ही है दिन भर फोन पे लगे रहना। आप बताइए भावेश भाई, कैसा है हमारा कैंपस? कैंपस तो वैसा का वैसा ही है, बस हमारी हालत टाइट हो रखी है। वो होम डिलीवरी चालू करिए ना। हाँ यार आ रही हूँ मैं, वो रेनबो डॉम्स की ना लिफ्ट जाम हो गई थी, लगता है केएलएमडीसी और कॉमन वॉशरूम वाली यूनियन का काम है। दादा एक कॉफी प्लीज, बाकी तू आज के केस के प्रोटैगनिस्ट के बारे में बताना, मैं सीपी खुद कर लूंगी। यार थैंक्स। यार यहाँ पर अभी भी कांड होना बंद नहीं हुए हैं। सही में। अच्छा है हमारा जब सीआईडी हुआ करता था तब, इसे सारे केसेस को सॉल्व करने के लिए। तुम लोग बड़े प्रद्युमन दया और अभिजीत बने घूमते थे, एक केस सॉल्व नहीं हुआ था तुम लोगों से। बट डॉक्टर तारिका, वी केम क्लोज अ लॉट ऑफ द टाइम्स, डोंट यू रिमेंबर द ग्रेटेस्ट केस वी सॉल्व? अरे उसे कैसे भूल सकते हैं, द क्यूरियस केस ऑफ द भूत भाई। ओ भाई वो तो क्या गजब केस था, याद है कैसे पीपी गुप्ता ऑडिटोरियम के बाहर मिला था हमें ब्लैक सूट पहने हुए, पीजीपी वंस को घूर रहा था? हाँ, मेरी तो रूह कांप गई थी भाई। और कैसे उसके बाद हमारे साथ घुल मिल गया था, इधर आरजीएम में नाचा भी तो था। और क्या, अरे और वो तुम वो पेडिग्री वाला केस तो भूल ही गए। ओह पेडिग्री केस वाज द बेस्ट, उसके लिए हमें सीवी पॉइंट्स तक मिले थे। यस दैट वाज सम केस ही सॉल्व। पता है कैसे स्टेप से आते वक्त उसने मेरा पीछा किया था टनल तक और लिफ्ट में मेरे साथ अंदर घुस गया था। यस बेब, और तुम तो पूरे 14 इंजेक्शन भी लगवा के आए थे ना, बाय द वे तुम्हारा मेडिकल भी नहीं अप्रूव हुआ था। Just because it was a genuine case. कुछ भी बोलो यार, but we were the best club back then. Yes, I agree. पता है, I still get goosebumps thinking about that serial burglar case. Serial burglar? You mean that infamous serial burglar case? Come on, you can name it better. Oh please, उस case की ending जितनी unexpected थी ना, किसी और case की नहीं थी। क्यों डॉक्टर तारिका? कुछ तो गड़बड़ था उस केस में। भावेश भाई आपने किसी को मेरी साइकिल के साथ देखा क्या? दादा क्या लगा तू, रेगुलर ब्लैक कॉफी? अरे भावेश भाई चाहिए कुछ नहीं है, मेरी साइकिल गुम हो गई है। यू नो मेरी मेटिकुलसली इंजीनियर लाइटवेट फ्रेम क्राफ्टेड फ्रॉम एरोस्पेस ग्रेड एल्युमिनियम अलॉय व्हील सेट कंप्राइजिंग हाई टेंसाइल स्टेनलेस स्टील स्पोक्स प्रिसीजन इंटीरियर एल्युमिनियम रिम्स वाली साइकिल गायब हो गई है। हाउ विल आई ट्रैवल इनसाइड द कैंपस नाउ लाइक दोस पेशेंट्स? दादा ये सब तो मुझे नहीं मालूम,
पर आपकी साइकिल आपको कितना प्यारा है तो पूरा कैंपस जानता है। वो आपको तो वो भी बुलाता है ना, वो साइकिल टाइम। अरे यार, अब मैं वो अपना साइकिल वाला टाइम वाला जोक कैसे मारूंगा क्लास में। भावेश भाई आप ही मेरी मदद कर सकते हो। भावेश भाई आप तो सर्वव्यापी सर्व ज्ञाता हो, आपने पक्का किसी को मेरी साइकिल दे जाते नहीं देखा। दादा कल तो हम जल्दी दुकान लगा लिया था, पर सीआईडी से जाके पूछो। क्या भावेश भाई अब आप मजाक भी करने लगे। सीआईडी तो सीरियल था ना, रियल लाइफ में कोई सीआईडी होता है क्या? अरे अपने वो है ना, वो सेकंड ईयर वो क्लब खोले हैं, वो दिए थे हमको, बताए थे, अपना नंबर दिया था कल। क्या सच में? हाँ अरे अरे कार्ड दो फिर। वो कार्ड दिए थे, हम दिखाते हैं, रुको। दो नंबर दो जल्दी। हाँ दे रहे, जल्दी नंबर दो, नंबर दो जल्दी। दे रहे दे रहे। अरे नंबर दो जल्दी भावेश भाई। हाँ मिल गया। अरे सीआईडी कांटेक्ट अभिजीत। हेलो हेलो, एम आई टॉकिंग टू अभिजीत फ्रॉम सीआईडी? हाँ मैं बात कर रहा हूँ, बताइए आप कौन बोल रहे हैं और क्या क्राइम रिपोर्ट करना है आपको? अभिजीत मैं प्रोफेसर रजत बोल रहा हूँ। यू नो मेरी मेटेकुलिसली इंजीनियर लाइटवेट फ्रेम क्राफ्टेड फ्रॉम एरोस्पेस ग्रेड एल्युमिनियम अलॉय व्हील सेट कंप्राइजिंग हाई टेंसाइल स्टेनलेस स्टील स्पोक्स लेस्ड इनटू प्रिसीजन मशीन एल्युमिनियम रिम्स वाली साइकिल गायब हो गई है अभिजीत। कैन यू हेल्प मी प्लीज फाइंडिंग इट? अरे सर आप? सर अभी तो नहीं हो पाएगा, 1:10 तक क्लासेस है, फिर कुछ का चांस है तो 4 बज जाएंगे, फिर 2 असाइनमेंट सबमिट करने हैं, एक तो आपका ही है और आप एक्सटेंशन तो देते नहीं है। तो रात को 8 बजे आप सीआईडी के ऑफिस आ सकते हैं, वहीं पर आपका केस सुनते हैं। सर 8:44 हो गए, आई मस्ट हैंग अप नाउ। आप चिंतित ना हो, हम आपकी साइकिल विद जो भी फीचर्स है आपको वापस ला के देंगे। हेलो 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 अभिजीत रुक जाओ, अभिजीत आ जाओ प्लीज हेल्प कर दो। तुम्हारा मेडिकल फॉर्म मैं भर दूंगा और डॉक्टर नंदलाल से साइन भी करा दूंगा अभिजीत। अरे सुना, हेलो अभी आता हूँ। हेलो राजा, क्या हो गया? अरे अभी ढमचे रास खेलने का मन नहीं है। बालों का तेल, बालों का तेल। क्या हुआ हेयर ऑयल गायब हो गया? हेयर ऑयल गायब हो गया? अरे अपनी इधर एरोस्पेस ग्रेड एल्युमिनियम वाली साइकिल गुम हो गई है, तुम हेयर ऑयल की बात कर रहे हो यहाँ? बाबा का तेल, बाबा का तेल, बाबा के। अरे याद है 2 साल पहले हमारा पब्लिकेशन नहीं हो रहा था, एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था, प्रमोशन नहीं हो रहा था, बीवी नहीं हो रहा था, शादी नहीं हो रहा था, हम कितना डिप्रेस थे, सुइसाइडल हो गया। अब क्या बोला दीवाना, यही हमें शांति नहीं मिलेगा, तू चार धाम चला जा उधर शांति मिलेगी। तो थे हम तो गया यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, उसके बाद गंगोत्री, और गमुक गया, गमुक में साधु बाबा मिल गया, बोला बेटा इधर आ। हम गया, हमको देख के पूछा, ए तू स्टेटिस्टिशियन है? हम बोला हाँ। कितना त्रिका लग गया था? बोला बेटा सुन, तेरा बालों के साथ सक्सेस का स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट एसोसिएशन है। कितना तू उसके वाले दवाई दिया, वो हेयर ऑयल कर, जब दे के बोला जा आए मैं वापस जा, रोज रात को एक ड्रॉप देना, इसमें मेरा आशीर्वाद भी मिक्स्ड है, तेरा बाल भी होगा, रोज एकदम आशीर्वाद भी मिल जाएगा, तेरा सब होगा। अरे दादा वो हेयर ऑयल जो आप ऐसे लेके घूमते रहते थे, अरे वो ना Amazon से ले लेंगे यार। ये भी बोला ये मत खोना, ये खोएगा तो तेरा सब जाएगा। ये वापस आ गया, वो लगाया, उसके बाद मेरा टायर है, पब्लिकेशन हुआ, आपका AGMP में इनवाइट मिल गया, मेरा प्रमोशन हो गया, मेरा बीवी हो गया, तू भी हो गई, तू भी हो गया, 5-in-1 हो गया, अभी मेरा क्या हो गया, वो तो हो गया, ढूंढ लेंगे यार, तो को ऐसे, अरे आ तो सही, रोज कंट्रोल कंट्रोल आ जाओ, कंट्रोल कंट्रोल आ जाओ, क्या हो गया? शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग भावेश भाई, एक ब्लैक कॉफी देना प्लीज। हाँ देगा। अरे इनको क्या हुआ है? क्या हुआ दीमन, सब ठीक तो है? यार ये जानी चली गई। अरे जान चली गई, इसका क्या मतलब?
अरे कोई बात नहीं है, मंगवा देंगे दूसरा। अरे बोलो ना उनको। अरे I lost my cycle. He lost his ointment. You lost your cycle? आपकी साइकिल खो गई? वो meticulously engineered साइकिल? आप बड़े परेशान हुए होंगे? I don't know. I was using it for the last 10 years. अरे पिछले वीक ही तो उसका पंचर लगवाया था मैंने। हाँ हाँ मुझे याद है। मगर धन्यवाद धन्यवाद। धीमन ठीक है, एक हेयर ऑयल ही है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे पापा हमको बाल देके गुजर गया, हम क्या करेगा? अच्छा ठीक है, प्लीज रोना बंद करो। वैसे मैं ये सोच रही हूँ कि हम सब के साथ कुछ ना कुछ अजीबोगरीब हो रहा है। आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ क्या? हाँ, मेरी कम्युनिकेशन 101 की किताब खो गई है। और तुम्हारी आज तुम्हारी साइकिल चली गई है। क्या है, क्या हो रहा है? सब लोग इतना उदास क्यों है? वैभवी तुम्हारा क्लास का टाइम हुआ है ना? हाँ, यहाँ पे क्या कर रही हो? क्या बताऊँ मैं? तुम कम्युनिकेशन पढ़ाती हो ना? हाँ। हिंदी में क्यों बात कर रही है? धीरे बोलो यार, धीरे बोलो, कोई सुन लेगा, क्लास में कोई भाव नहीं देगा। भावेश एक कॉफी देना। अरे तुमने भी इमीडिएटली पकड़ लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि उस किताब में ही मेरी सारी शक्तियाँ थी। धीरे धीरे मैं अंग्रेजी में वार्तालाप करना भूल चुकी हूँ। और तो और मेरे कक्ष की छात्राओं को भी मुझ पर शक होने लगा है। मुझे तो लग रहा है आज मैं क्लास ही नहीं जाऊँ। अरे मिल जाएगा यार, मिल जाएगा, टेंशन मत लो। कोई कुछ CPVP में प्रॉब्लम कर दिया तो हम सबको बता देना, देख लेंगे, कोई टेंशन नहीं। अरे अरे जल्दी कॉफी देना यार। वो तो ठीक है मगर कुछ हमें करना चाहिए ना। सिक्योरिटी को फोन करें क्या? I don't think it's a good idea. क्यों? महेंद्र सिंह चौहान has also retired. But don't worry, I have called CID. CID? Yeah. CID तो बिखरा होता है, CID होता है भाई, CID. अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे भावेश भाई ने बताया कि हमारे स्टूडेंट्स ने एक नया करियर क्लब खोला है CID. और I believe our students, they are the best. वो कुछ ना कुछ करके हमारा केस सॉल्व कर ही देंगे। आज प्रातःकाल ही मैंने कुछ छात्रों को गंगा जल के साथ देखा था गुजरात में। मुझे तो नहीं है इन पे विश्वास। अरे नहीं यार, हमें ना उनको मौका देनी चाहिए, एक मौका। ये तो आई एम अहमदाबाद की स्टूडेंट्स है, बैंगलोर कलकत्ता से थोड़ी ना आए हैं। अरे इनको इनको एक मौका तो देनी चाहिए ना, एक मौका तो बनता है। बिल्कुल। एक केस का हल तो नहीं निकाल सकते ये? ये चोरी सुलह है, ये अलग से। अरे लेट्स लेट्स नॉट मेक द सीन हियर, लेट देम कम, लेट्स सी व्हाट दे कैन डू। आर यू लिसनिंग चित्रा? लगता है इन सब लोगों की भी कुछ ना कुछ चीजें चोरी हुई हैं। शुड वी टेल देम दैट दे आर नॉट द ओनली वन? अरे यार अब क्या बताऊं, जिस एंडाउमेंट फंड की मैं CEO हूं, उस एंडाउमेंट फंड के ऑफिस की चाबी भी कुछ दिनों से नहीं मिल रही है। मैंने सबसे पूछा, डायरेक्टर से पूछा, डीन से पूछा, CFO से पूछा, CAO तक से पूछ लिया, नहीं मिल रही है। मैंने अमेज़न से अब एक लॉकर भी ऑर्डर कर लिया है। अरे बात तो सही कह रही हो, ये बात तो कॉन्फिडेंशियल रखनी पड़ेगी। और तुम्हें पता है मेरा फेवरेट कॉफ़ी मग चोरी हो गया है, वो भी मेरे ऑफिस से। पता है उस पर बेस्ट टीचर लिखा हुआ था, बट जब से वो कॉफ़ी मग चोरी हुआ है ना, मुझे कहीं की कॉफ़ी अच्छी नहीं लगती। यहाँ भावेश भाई के पास आकर रिमझिम पीना पड़ रहा है। अरे चित्रा छवि क्या है, तुम लोग वहाँ क्या गपशप लगा रहे हो? यहाँ पे हम इतने परेशान हैं। वैसे तुम लोग भी परेशान लग रहे हो, क्या हो रहा है? वैभवी क्या हुआ? सब ठीक है? सब सबके पास कुछ तो कुछ गायब हो गया है। तुम्हारा भी कुछ गायब हो गया क्या? अरे हाँ, मेरा फेवरेट कॉफी मग और छवि का तो सॉरी 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 सॉरी। प्रोफेसर हम लोग CID से हैं। अभिजीत पूरा नाम लो, अभिजीत पूरा नाम। बहुत मेहनत लगी है क्लब खड़ा करने में, थोड़ी मार्केटिंग करो। प्रोफेसर हम लोग क्लब ऑफ इंस्टीट्यूशनल डैमेज से हैं और हमें इस केस को सॉल्व करने के लिए पूरी जानकारी चाहिए। अभिजीत अभिजीत पूरी जानकारी नहीं, अभी आधी जानकारी लो। अभी पूरी जानकारी ले ली तो प्ले 30 मिनट नहीं चलेगा। रजत सर आप हमारे साथ इधर आइए। श्योर
जहाँ तक मुझे लगता है ये चोरी करना इतना आसान काम तो है नहीं। खैर वैभवी मैम, क्या आपको किसी पर डाउट है? वैसे सच पूछो तो मुझे इन फच्चों पे थोड़ा शक जरूर है। वैक चल रहा है ना आजकल, जरूर यू नो परेशान करने के लिए मेरी किताब ले ली होगी, वरना ऐसे गायब हो जाती तो एक दो दिन में मिल जाती। ओह माय गॉड, इसका मतलब समझे थे? यस सर। मतलब एकदम साफ है इस चोरी के पीछे पक्का पीजीपी वन से। ऐसा लोगों के ऊपर शक करना ठीक नहीं है। क्या है, बच्चे हैं, बच्चे तो सिर्फ पढ़ना आता है ना एम अहमदाबाद में। सर ये बात आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? क्या बोल रहे हो, आप भी तो हमेशा अपनी स्टिक के साथ दिखाई देते हैं। ये वाला? यस। ये तो मैं 4 legged डॉग्स के लिए खास लेकर आया न्यू कैंपस की बैम्बू ग्रोव से। जहां तक मेरी जानकारी है सर, इधर बैठे हर एक आदमी का कुछ ना कुछ गायब हुआ है सिवाय आपके। तुम कहना क्या चाहते हो? गेम थ्योरी की इलेक्टिव लिया है ना? यस। ग्रेडिंग में देख लेंगे, कोई टेंशन नहीं। सो एसीपी सर का ये कहना है कि अरे एक सेकंड, भाई और तुम्हारा नाम क्या, दया क्या है? तुम्हारा नाम तो धनंजय है ना? अरे एसीपी तुम्हारा नाम क्या है? सर मैं अक्षय सीपी, नीचे वेल में बैठता हूँ। सीआईडी जल्दी चलो, टीजीपी चेयर के ऑफिस से उनका चेयर गायब हो गया। सर ने आपको अभी बुलाया है। What the hell is going on? बड़ी मुश्किल से एरल ने ये चेयर दी थी, गायब हो गई वो भी। Oh my God! मतलब समझे था या मतलब समझे? तो? इस कैंपस में कोई तो है जो प्रोफेसर्स का सामान चोरी कर रहा है। वाह सर, आपके बिना हम क्या करते? अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है अभिजीत। तुम लोग ये बकवास ही करते रहोगे कि कुछ काम की बात भी करोगे? सर एसीपी के सर का दिमाग बहुत तेज चलता है, वो बहुत आगे का सोच के बैठे। आप निश्चिंत रहिए, मेरी चेयर अगर नहीं मिली ना तो तुम्हें ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा। सर आप हमें ये बताइए, आपको पता कब चला कि आपकी चेयर गायब हो चुकी है? अभी मैं एक लेक्चर कंप्लीट करके आ रहा था, भावेश भाई क्या चाय और ऑमलेट ऑर्डर दिया, बट द चेयर वाज मिसिंग। सर आप अकेले नहीं है जिनका सामान चोरी हुआ है, कैंपस में बहुत से प्रॉफ्स हैं जिनकी जरूरी चीजें गायब हो गई है। इसी भी सर मुझे तो ये पीजीपी वंस पर शक है, ये सारे सेक्शन ए के प्रोफेसर हैं, हो सकता है उन्होंने कुछ किया। ओह माय गॉड, मैं समझ गया अभिजीत, मैं समझ गया। मेरे पास एक थ्योरी है। क्या सर? पक्का ये सेक्शन ए के लोगों का काम है, ये इन सब के प्रूफ है ना, पक्का उन्होंने तंग करने के लिए चोरी करी। मैंने भी तो अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है अभिजीत। तुम लोगों के पास 2 दिन का टाइम है, आज रात को 11:59 तक मुझे केस का सबमिशन चाहिए और सुबह 8:45 की मीटिंग में प्रेजेंटेशन। अदरवाइज यू विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ असाइनमेंट जस्ट लाइक एथिक्स कोर्स फॉर द रेस्ट ऑफ योर टाइम एट सर। मुझे लगता है हमें सीसीटीवी कैमरास चेक करने चाहिए, पक्का कोई ना कोई सबूत मिलेगा वहां से। कम ऑन लेट्स गो। विजीत लेट हो गए तो मेडिकल पर साइन भी नहीं मिलेगा। लेकिन सर दया कहाँ है? दया भी आता होगा, मैंने देखा था उसे मेस में, खाना ठूस रहा था। एसीपी, I could not go through the PPT you had sent. Like always. Can you please brief us with the proceedings? Yes sir, sure. अभिजीत पेन ड्राइव लगाकर PPT चालू करो। Sure sir. नीरव ये सब हो क्या रहा है, और तुम्हें लगता है कि ये सब थेफ्ट्स रिलेटेड है? Even I am clueless. लास्ट टाइम जब मेरी चेयर गायब हुई थी तो मेरे ऑफिस के बाहर इलेक्ट्रिशियन कुछ काम कर रहा था, उसके बाद मुझे चेयर मिली नहीं थी कुछ दिन। हाँ वैसे आज से पहले तो ऐसे कभी कुछ नहीं हुआ। इवन मेरा बालों का तेल कैंपस आई थिंक मे बी। आई कैन ओनली थिंक ऑफ वन पर्सन हु कुड हैव स्टोलन इट, दैट्स अभिषेक। Abhishek from Archives office? Yes sir. You are absolutely correct. आज का हमारा पहला suspect है अभिजीत। Sir? I am sorry, Abhishek. तुमसे अभी तक PPT चालू नहीं हुई। Done sir. I would want your attention now. Abhishek पिछले 60 सालों से IIM कैंपस में आर्काइव ऑफिस संभाल रहे हैं, पर वो आज भी
उतने एनर्जेटिक और उतने यंग दिखते हैं. But there is a catch. Abhishek has been looking for solutions to his boy. और इसीलिए धीमन सर का हेयर ऑयल और कोई नहीं चुरा सकता, सिर्फ एक आदमी जो कटप्पा से बाहुबली बनना चाहता हो. How is this even possible? आप लोग ये कह रहे हो कि अभिषेक उम्र में हम सबसे बड़ा है? Yes ma'am. Yes ma'am. Yes. ये जानकारी उन्होंने अपने आर्काइव्स ऑफिस के तहखानों में दबा कर रखी है. Oh, that means Abhishek is the man from Earth. Yes. अब वो बहुत जल्दी हम सबको छोड़ के एक नई दुनिया में चला जाएगा. उससे पहले हमें उसको पकड़ना होगा. मैं उसको अभी बुलाता हूँ. अरे नीरव, सॉरी अभिमान, आई डोंट थिंक अभिषेक इज गोना स्टील लॉक एंड कीज. बाकी हम सब लोगों की जो चीजें चोरी हुई हैं उनका क्या? उनका क्या हो सकता है? This Abhishek has been asking me to break doors of the archive office for quite some time. वहाँ का लॉक अटक रहा है. He desperately needs a new one. But then my coffee mug, ACP, उसका अभिषेक से क्या रिलेशन? रिलेशन है मैम, रिलेशन है. अभिषेक के ही बहुत करीब बैठने वाला एक दूसरा शख्स है जिसका आपके कॉफी मग से बहुत ज्यादा नाता है. मैं प्रेजेंट करना चाहूंगा हमारा आज का दूसरा सस्पेक्ट, मिस्टर जायसवाल. जायसवाल मैं इसका मालिक. इनके बारे में इस पूरे कैंपस में कोई कुछ नहीं जानता. आई डेयर ऑल ऑफ यू टू टेल मी हिज फर्स्ट नेम, बट ही नोज वन थिंग अबाउट ऑल ऑफ अस. ही नोज व्हाट वी ईट एंड व्हेन वी ईट. आई गेस यू आर राइट. आई हैव नॉट हर्ड गुड ओपिनियन फ्रॉम स्टूडेंट्स अबाउट द फूड एट हिज मेस. राइट, पिछले मंथ नोटिस भेजा था उसको, उसने कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दिया. उसको भी बुलाते हैं. यार एक मिनट तुम इसका नाम लेते हो, दूसरी मिनट तुम उसका नाम लेते हो, क्या चल रहा है? मुझे ना जरूर कुछ गड़बड़ लग रहा है. किसी तरीका होती है क्या क्या केस सॉल्व करने की? बिल्कुल वही तो. और पिछली बार जब मेरी किताब मैंने देखी थी तो मैनेजरियल कम्युनिकेशन की परीक्षा चल रही थी और परीक्षाओं के दिन तो बच्चे मेस खाना खाने जाते ही नहीं. यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट मैम. इसलिए जिसने आपकी किताब चुराई है वो इन सबसे इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है. जिसने आपकी किताब चुराई है वो है हिक्की नहीं विक्की, विक्की. पीजीपी ऑफिस और विक्की के अलावा इस पूरे कैंपस में कोई नहीं जानता कि कब कौन सा क्विज होने वाला है. और इसीलिए विक्की का बच्चों में खौफ था. लेकिन मैम आप बच्चों पर दया खाकर उन्हें ये बता देते थे कि क्विज की टेंटेटिव डेट क्या है. इसीलिए मैम, इसीलिए जलन में आकर उसने आपकी किताब गायब कर दी. दया, कॉल विक्की. यस सर. आई एम अ बिट डाउटफुल ऑफ दिस. विक्की ने हमारा नमक खाया है, वो सपने में भी ऐसा काम नहीं कर सकता. हाँ मुझे भी वही लगता है. और इल्जाम की बुनियाद ही गलत है. मैं क्यों कुछ लीक करूंगी? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि विक्की ने ऐसा कुछ भी किया होगा. और फिर उससे रजत के साइकिल का क्या ताल्लुक है? थैंक गॉड, लोग तो मुझे भूल ही गए. और सबसे पहले सीआईडी को मैंने ही बुलाया था. ये क्या है एसीपी, ऐसे केस सॉल्व करोगे तुम? मैं तुम्हारी कोई लीव्स अप्रूव नहीं करूंगा. सर लीव तो आपको अप्रूव करनी पड़ेगी क्योंकि रजत सर की साइकिल किसने चुराई है वो हमें पता लग चुका है. आज के हमारे आखिरी सस्पेक्ट है डॉक्टर नंदलाल. डॉक्टर डॉक्टर महेश्वरी, नंदलाल महेश्वरी. कितने अच्छे इंसान है यार वो. पिछले हफ्ते मेरा पेट खराब हो गया था, मैं उनके पास चला गया था. उन्होंने बोला वनीला आइसक्रीम खाने को. ऐसे डॉक्टर कैसे चोरी कर सकते हैं? तुम कुछ भी बक रहे हो यार. प्रोफेसर या वनीला आइसक्रीम यार. प्रोफेसर जब आप डॉक्टर नंदलाल के पास गए थे उसके बाद से उनका इंटरेक्शन सिर्फ पीजीपी वन से हो रहा है, वो भी जो मेडिकल फॉर्म लेकर साइन करवा लेते हैं. राइट, आई यूज्ड टू विजिट हिम फॉर 3 इयर्स फॉर माय नी पेन. वो तो बाद में राजेश ने मुझे साइकिल रिकमेंड की तब जाके ये ठीक हुआ. और इसीलिए सर, इसीलिए वो जल गए थे आपकी घुटने की प्रोग्रेस से और उन्होंने आपकी साइकिल गायब कर दी. स्टिल दिस डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल. कोई एक इंसान सबकी चीजें थोड़ी ना चुरा सकता है भाई. एग्जैक्टली सबकी चीज. सर चारों सस्पेक्ट बाहर आ गए. प्लीज कॉल अभिषेक फर्स्ट. यस सर.
गुड इवनिंग सर, आपने याद किया। हाँ अभिषेक, कैसे हो? यहाँ कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बच्चों को तुम्हारी मदद की जरूरत है। श्योर सर। अभिषेक अभिषेक अभिषेक, क्या आप हमें बता सकते हैं धीमन सर अपना हेयर ट्रांसप्लांट कहाँ से करवा रहे हैं? How would I know? और मुझे ट्रांसप्लांट की क्या ही जरूरत? What do you mean, अभिषेक? अगर हेयर ट्रांसप्लांट की तुम्हें जरूरत नहीं है तो और किसको जरूरत पड़ेगी? I mean सर, ट्रांसप्लांट के अलावा और भी बहुत सॉल्यूशंस हैं जिनसे बाल वापस आ सकते हैं। क्या क्या सॉल्यूशन? सॉरी सर, वो मैं आपको नहीं बता सकता। बाबा, तुम कहाँ गए? देखा देखा, जेलेसी जेलेसी, जैसे ही सॉल्यूशन बताने की बात आई कैसे डर गए। अभिषेक, आर्काइव ऑफिस का लॉक जैम हो गया था, आपने उसके लिए कोई कंप्लेन तो लिखवाई नहीं। आपको पता है वहाँ इंस्टीट्यूट के कितने आर्टिफैक्ट्स पड़े हैं? वो सर, मैंने नया लॉक लगवा लिया है। लॉक? कौन सा लॉक? सर एक विजिट आ गई है, मुझे जाना होगा। अरे देखा प्रोफेसर, ताले की बात आते ही भाग गए, मेरा शक एकदम सही निकला। दया, अगले सस्पेक्ट को लेकर आओ। यस सर। मिस्टर जायसवाल, कैसे हैं आप? सर, आप कौन? आप पीजीपी चेयर को नहीं पहचानते? ए मटा भाई, तुम्हें कौन? इसको तो मैंने देखा है। खैर ये सब छोड़िए मिस्टर जायसवाल, आप मुझे ये बताइए कि आपको कॉफी पीना पसंद है? कॉफी? कहाँ है कॉफी? दया, जरा कॉफी लाना, कप में, मग में नहीं। मैं कप में कॉफी नहीं पीता। क्या आपको भी ना एमए के बच्चों की तरह कॉफी मग में पीने की लत लग चुकी है? सर, मुझे इस महीने का मेस का मेनू डिसाइड करना है, मैं काफी बिजी आदमी हूँ, मैं कभी बाद में कॉफी पी लूंगा आपके साथ। चलता हूँ मैं, ठीक है सर। अरे अरे, किधर जा रहे हैं ये, और इनका फर्स्ट नेम क्या है? अभिजीत। दया? हाँ? क्या इनका फर्स्ट नेम भी दया है? अरे नहीं दया, देखा देखा कितनी जल्दी भाग गए। खैर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं, पहले मेरी बात समझो सब लोग। ये तुम लोगों ने क्या बकवास लगा रखी है, फैकल्टी का टाइम वेस्ट कर रहे हो? कोई वैक का सबमिशन चल रहा है क्या? किसी बात में कोई लॉजिक ही नहीं है। वैक और जिन जिन और जिन जिन कंपनीज वालों ने तुम लोगों को प्लेसमेंट दिया है ना, उन सबको तो ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए। वैक को क्यों बीच में ला दिया? वैक को तो बीच में लाना ही पड़ेगा ना, तुम लोगों को लगता है कि कोई भी केस सॉल्व कर सकता है? सिर्फ स्ट्रैटेजी वाले ही होलिस्टिकली एक केस को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ भी रिलैक्स। अगर अगले सस्पेक्ट से कुछ इंफॉर्मेशन नहीं निकली तो आई विल डिसॉल्व दिस क्लब। दया, कॉल विकी। यस सर। कैसे हो विकी? गुड मॉर्निंग सर। आज कौन सा क्विज करवाने वाले हो, हमें भी बताओ। सर ये मैं आपको नहीं बता सकता, 145 पे आपको पता लग ही जाएगा। विक्की विक्की विक्की, जरा हमें भी तो बताइए कैसे डिसाइड होता है कौन से दिन कौन से सब्जेक्ट का क्विज है। सच बताऊं ये तो मुझे भी नहीं पता। विजी सर, कल के क्विज का पेपर रेडी हो गया? ओ माय गॉड, जिसका मतलब समझे अभिजीत? यस सर। इसका मतलब क्विज है, साफ है कि कल क्विज है। खैर ये सब छोड़ो, विक्की व्हाट्स गोइंग ऑन, हाउ इज लाइफ? Life, life, life is nothing but an illusion that blinds us from the ultimate reality of our invaluable existence. It's nothing but a pretense of profoundness when in actuality the only truth is death. Sir, इतनी भारी English? Sir, आपका शक बिल्कुल सही था, इसीलिए मैम की बुक सुराई है। Sir, you are a genius. इसका मतलब समझे दया? Yes, sir. इसका मतलब आप genius हैं? Absolutely correct. विकी ये क्या हरकत है? हाँ तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी हरकतों की वजह से मुझे कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है? कम्युनिकेशन की प्रोफेसर हूँ, अंग्रेजी में बात नहीं कर पा रही हूँ। लौटा दो कि मेरी किताब विकी, दया करो मुझ पे। दया? यस मैम। अरे यार तुम नहीं। व्हाट? आई हैवंट स्टोलन एनीथिंग, आई हैव जस्ट बीन रीडिंग अ लॉट ऑफ एग्जिस्टेंशियलिस्ट लिटरेचर, दैट्स ऑल। हाउ कैन यू अज्यूम दैट आई डोंट नो इंग्लिश? इट्स इजीयर देन हिंदी ऑफ कोर्स। एनीवे आई हैव टू प्रैक्टिस फॉर माय 1:35 PM वॉक टुडे। Toodles, profs.
माय माय व्हाट लैंग्वेज एंड अनदर वन बाइट्स द डस्ट. ये सब बिल्कुल यूजलेस नहीं लग रहा? इन तीनों ने सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट ही किया है. नो मैम, हैं ही आप तीनों मार्केटिंग डोमेन वाले. हाँ, प्रोडक्ट जितना भी खराब हो पैकेजिंग कर करके बेचते रहो, दैट्स इट. आई डोंट थिंक विक्की इज द गाय. एसीपी, लास्ट सस्पेक्ट को बुलाओ. दया, कॉल डॉक्टर नंदलाल. यस सर. हेलो सर, क्या फिर से दिक्कत हुई? हाँ नंदलाल जी, कल मैं वो खाना बाहर खाने गया था तो. सर सर, बात नहीं, वो बच्चे कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आपकी मदद चाहिए उनको. डॉक्टर नंदलाल, नंदलाल, नंदलाल. एक बात बताइए, इधर बैठा हुआ हर एक शख्स एक ना एक बार आपके पास मेडिकल लेने आया होगा बीमारी के लिए, लेकिन आप इतने फिट कैसे रहते हैं? That's because prevention is better than cure. Right. डॉक्टर साहब, आपने मुझे भी यही कहा था, हर ईमेल पे सब्जेक्ट लाइन यही था, और मेरा नी पेन तो ठीक नहीं हो पा रहा था आपसे. सर आपने हमारे साथ पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं किया, इसलिए आपका नी पेन ठीक नहीं हो पाया. आप आज ही हमारे क्लिनिक आ जाइए, हम आपका फिर से कोर्स स्टार्ट कर देंगे. डॉक्टर डॉक्टर, क्या आपको पता नहीं है क्या, उनके घुटने का दर्द तो ठीक हो चुका है. ठीक तो हो ही जाएगा, दिन भर साइकिल जो चलाते रहते हैं. एक मिनट, किसी ने साइकिल की बात की क्या अभी जी? नहीं सर, नहीं सर. आपको कैसे साइकिल का ध्यान आया? बोलिए डॉक्टर, आप हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? बोलिए बोलिए. दादा! अरे हाँ भावेश भाई, लाइए. ये कोई टाइम है? इतनी सीरियस डिस्कशन चल रही है और यहाँ पे इनको ऑमलेट की पड़ी है इस समय खाने का? अरे क्या चल रहा है? Priorities are not clear. वो थोड़ी भूख लगी थी तो मैंने सॉरी चाय और ऑमलेट मंगा लिया. क्या कुछ भी? अरे डॉक्टर साहब, आप अभी तक गए नहीं, मैं आपसे शाम को मिलता हूँ. थैंक यू. अरे लाइट कैसे चली गई? और दादा बाहर बिजली का काम चल रहा है ना, तो हटी क्या दादा? अरे मेरी चेयर वापस आ गई. क्या बात, चमत्कार, क्या बात कर, मेरा बालों का दिल नहीं है, मेरी साइकिल नहीं आ जाएगा धीमन. अरे तुम्हारा स्टिक, तुम्हारा चेयर तो वापस आ गया, बट वेयर इज माय स्टिक? व्हाट, माय स्टिक इज गॉन. ओह माय गॉड, मैं कब से वॉकिंग कैसे करूंगा? ये कैसे हो सकता है? डॉग्स को कैसे मारूंगा? माय स्टिक. देख रहे हो, अ पैलेस ऑफ इल्यूजंस. मुझे तो मेरी स्टिक चाहिए. इसी में हो क्या रहा है? एनीवेज, मैं तो अब आराम से बैठ के ऑमलेट खाऊंगा. सो डॉक्टर तारिका इज हैविंग द फॉरेंसिक रिपोर्ट्स. नाइस, डोंट वरी प्रोफेसर, डॉक्टर तारिका की रिपोर्ट से साफ हो जाएगा कि आखिर कल्प्रिट है कौन. डॉक्टर तारिका, प्लीज प्रेजेंट योर रिपोर्ट. श्योर सर. अभिजीत, प्लीज ये प्रेजेंटेशन चला दो. कैसी तारिका जी, खाना खाया? अभिजीत, ओ सॉरी. Hi all, I'm Dr. Tarika and we are from group A4. This presentation... Tarika ji, yes. Abhijit. Oh, sorry sir, sorry. Yes, Tarika ji, please continue with your report. Sure sir. Sir, maine charon suspects ki past reports dekhi hain. Good. Maine archive office ka database check kiya. Wow. Jaiswal mein iska subscription bhi liya. Vicky ko roz follow kiya. और यहाँ तक कि डॉक्टर नंदलाल से आज के 3 क्लासेस का मेडिकल तक बनवा लिया. सारे सस्पेक्ट्स के फिंगरप्रिंट्स देखने के बाद मुझे ये पता चला है कि ये सब बेकसूर हैं. सर आपको लगता है कि ये लोग जो IMA की बैकबोन हैं ऐसा काम कर सकते हैं? डॉक्टर तारिका, आप ये जो बोल रही हैं बात आपके खुद के कान में जा रही है? मुझे इस क्लब का पार्ट नहीं बनना सर. देखा ना सर, मैंने बोला था आपको डॉक्टर तारिका वाला कुछ काम नहीं चाहती. तारिका जी, तो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती. आई डोंट केयर. आई डोंट थिंक सो, ए केस तुमसे सॉल्व होने वाला है इसी बीच. वैसे भी मेरी चेयर मिल गई है, अब मैं आराम से बैठ के अपना काम करूंगा. बट आई विल हैव टू लुक इनटू ऑल द इन्वेस्टिगेशंस यू हैव डन टिल नाउ. सर सर सॉरी सर, ऐसे मत करो सर, हमारा क्लब डिसॉल्व हो जाएगा सर. सर, हम सीनी में क्या नहीं करेंगे सर? और मेरी साइकिल सीनी, और मेरी किताब, मेरी और मेरा मैप, और मेरा बालों का. सॉरी सर, अभिमान, दिस इज अनफेयर, दिस इज नॉट फेयर. अभिमान, यू आर मीन. आई
आई डोंट नो एनीथिंग. अभिमान अभिमान कुछ दिनों में नीला की क्लास का टाइम हो रहा है, आप लोग जाइए. और एसीपी क्या नाम है तुम्हारा? अक्षय सीपी. I'll get back to you soon. You all can disperse. अभिमान कुछ दिनों में नीरव पीजीपी चेयर बनने वाला है. मैं इसी में होके तुम्हें देख लेंगे. क्या है मेरा चेयर? अरे सी ये अच्छा लग रहा है ना? हाँ, this looks really nice. But see, 10K for a t-shirt. क्या करें? IMA की t-shirt है, एक बार तो लेनी पड़ेगी. Excuse me, ma'am, ये मेरे साइज में है क्या? Yes, ma'am. Meanwhile, why don't you go and check out our all new IMA Antiques collection, but do not touch it. Why? Why can't we touch it though? Ma'am, ये बहुत ही कीमती सामान है, आप इसको touch मत कीजिएगा. This is an antique cup. Yes, ma'am. ये cup एक time पे campus में बहुत popular था. Tarika, see, isn't this the mug that you are looking for? Oh yeah, this is exactly what I was looking for. How much for this one? Ma'am, आपको बोला है ना दग दीजिए. These are not for sale. Why? Actually, कुछ दिन पहले दो चार लड़के आए थे. नहीं, तीन लड़के आए थे. उन्होंने हमें ये सारा सामान डोनेट कर दिया और उन्होंने बोला कि आप इनको अपने पास रख लीजिए. मैम, डू नॉट टच, नीचे रखिए. ये यहाँ के बहुत ही लेजेंडरी प्रोफेसर्स की काफ़ी कीमती चीज़ें थी. बहुत ही पॉपुलर है ये सब कुछ कैंपस में, तो इसलिए हम इसको सेल नहीं कर रहे हैं. मैम प्लीज़ आप टच मत कीजिए किसी भी चीज़ को. सी, रजत सर की साइकिल, वैभवी मैम की बुक, चित्रा मैम का मग, छवि मैम की कीज एंड विश्वनाथ सर की स्टिक एंड ये सर का धीमा सर का हेयर ऑयल. All this makes some sense now. मुझे सब समझ में आ रहा है. CID की नाकामी के चलते इस क्लब को डिसॉल्व करने की बात हो रही थी, तो इन तीनों ने अपना क्लब बचाने के लिए ये चोरियां करनी शुरू कर दी और लोगों को फंसाना शुरू कर दिया. डॉक्टर तारिका, गेट रेडी, टाइम टू रिप्लेस द कोऑर्डिनेटर ऑफ CID. दया, अभिजीत, लेट्स गो. यस यस यस.